आगरा की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2023 में शाहरुख खान की फिल्मों ने पूरे इंडिया में धूम मचाई, लेकिन अब 2023 किस हीरो का रहने वाला है तो अब उसकी खबर भी पक्की आ गई है। 2023 किस हीरो का रहेगा, हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का। पुष्पा 2 फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसी के साथ साथ पुष्पा 2 मूवी को लेकर और भी कई बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब की बार पुष्पा 2 मूवी काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है। जहां पर पुष्पा फिल्म के फर्स्ट पार्ट का बजट 250 करोड़ था, वहीं इसके दूसरे पार्ट का बजट 500 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। यानी कि पुष्पा 2 फिल्म में हमें एक्शन काफी बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। फिल्म की स्टोरी तो पहले से दमदार है और फिल्म में डायलॉग भी काफी दमदार है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में एक्शन कुछ अच्छे से देखने को नहीं मिला। लेकिन फिल्म का बजट अब की बार बढ़ गया है, इसलिए अब की बार फिल्म में एक्शन सीन बिल्कुल हॉलीवुड के लेवल का होने वाला है। और इसी के साथ साथ सुनने को मिल रहा है कि फिल्म में हमें और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म में लीड रोल में तो अल्लू अर्जुन ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ फैज फाजिल और सुनील जैसे साउथ के और भी कई नए बड़े कलाकार आएंगे। फिल्म में हीरोइन के रोल में रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी। और अब देखना ये होगा कि पुष्पा 2 फिल्म में और किस किस बड़े हीरो को लिया जाता है। खबर तो ये भी आ रही है कि फिल्म में बॉलीवुड का भी कोई बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन अभी उसको लेकर कोई पक्की खबर नहीं आई है। बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म को सुकुमार के डायरेक्शन में ही बनाया जा रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि पुष्पा 2 फिल्म को इसी साल दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाएगा, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को बार बार पोस्टपोन कर दिया है। उसके बाद कहा जाने लगा कि फिल्म हमें 2024 के मार्च में देखने को मिलेगी, लेकिन इसको भी लेकर मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी। लेकिन अब फाइनली मेकर्स की तरफ से पुष्पा 2 फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ चुकी है। पुष्पा 2 फिल्म हमें 15 अगस्त 2024 को देखने को मिलने वाली है और इसने अपनी रिलीज डेट बुक कर ली है, इसलिए अब इस डेट के आसपास कोई भी बड़ी मूवी रिलीज होते हुए नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि पुष्पा 2 फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा हाइप है और कोई भी पुष्पा 2 के सामने टिकने नहीं वाला, लेकिन अभी हमें पुष्पा 2 के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले पुष्पा 2 फिल्म का एक टीजर देखने को मिला था, जिसको देखने के बाद लोगों में फिल्म को लेकर हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई थी। टीजर को देखने के बाद तो लगा कि फिल्म की स्टोरी सेकंड पार्ट में काफी जबरदस्त रहने वाली है। अब देखना वैसे ये होगा कि पुष्पा 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड क्या बनाती है और किस किस का रिकॉर्ड 2024 में टूटता है। बस दोस्तों कुछ ही दिनों का और इंतजार, उसके बाद पुष्पा 2 हमें पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।